तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आई एंड गेडिया, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सात्विक मुंगिया। तो पाजी एक बार मास्क हटा के दिखा दो, शक्लें अपनी अपनी दोनों दिखा देते हैं। तो भाई मास्क अभी लगाना पड़ेगा क्योंकि रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो अपना व्लॉग रहने वाला है थोड़ा सा गाड़ी से रिलेटेड है, और बाकी ये प्रॉपरली व्लॉग ही एक्चुअली है, वीडियो नहीं है कोई भी पर्टिकुलरली कार के ऊपर। भाई एक फैमिली में नई कार ऐड हुई है हमारे हर्ष पाजी की, कंग्रेचुलेशन है पाजी आपको। भाई नई गाड़ी ऐड हुई है। अब ये गाड़ी हमने वैसे तो ऐसे ही 3-4 महीने का शौक पूरा करने के लिए लिया है, तो देखते हैं इस गाड़ी को हम रेडी करते हैं या नहीं करते हैं। अर्ज भैया क्या ख्याल है, रेडी करनी है गाड़ी या नहीं? भैया स्टॉक ही अच्छी लग रही है, क्या करें। चलो देखते हैं भाई, आप लोगों को नेचर बताया, गाड़ी अब फैमिली में ऐड हुई है तो हो भी सकता कुछ भी हो जाए, हो सकता स्टॉक ही चलाए, क्योंकि एक आधी गाड़ी भाई स्टॉक भी रखनी चाहिए। तो इसको भी दिखाता हूँ आपको, कवर करूँगा अभी। भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, तो सोचा आज आप लोगों को अपना कॉलेज दिखा दूं पूरा का पूरा, कि कैसा है क्या रहेगा कॉलेज के अंदर, पूरा कॉलेज दिखाता हूं आपको कैसा रहेगा, सारी बातें करेंगे हम। और जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, मुझे भी और पाजी को भी। पाजी अपनी आईडी बता दो इंस्टाग्राम वाली, arshpreet.151। ठीक है भाई, arshpreet.151 नीचे आ भी रही होगी, आप लोग जल्दी जाओ और पाजी को भी फॉलो करो। और हाई एंड गड्डियां तो आप जानती हो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं इंस्टाग्राम पे चीजें पहले रिवील कर देता हूं। तो मिलते हैं आगे, मैं आपको जर्नी पे बने रहो मेरे साथ में। तो भाई काफी आगे तक आ चुके हैं हम लोग। पाजी कितने बजे निकले थे? 10:30 निकले थे हम लोग, 10:30-11 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के बीच में हम लोग निकले थे, और 12:15 हो रहे हैं इस टाइम पे, 12:15। भाई अभी भी हम लोग कॉलेज नहीं पहुंचे, इन रूट है। आप लोगों को कॉलेज दिखाऊंगा अपना, कि हमारा कॉलेज किस तरफ और कैसे बसा हुआ है। एक गाँव के अंदर है हमारा कॉलेज, मेरे को अब ढंग से नहीं पता उस गांव के बारे में, हमें तो रास्ता याद है यार जहाँ पे जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ एक बार भाजी आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाएंगे, अभी आप वो रूट चेक करो कि हमारा जो कॉलेज का हाईवे वगैरह बन रहा है अभी रोड पे, सोना रोड पे हमारा कॉलेज बेसिकली, आप लोगों को पता होगा सोना रोड के बारे में। तो सोना रोड पे कॉलेज है हमारा गुड़गांव वाली, जहाँ पर अभी थोड़े टाइम पहले 2-4 महीने पहले अभी एक भाजी इंसिडेंट भी हुआ था, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, कोई एक लेबर वाला लड़का गिर गया था उसके ऊपर, मतलब वो गिर गया था कुछ, जो पिलर होता है आपके उसका, तो पिलर गिर गया था। तो वो आपको पूरा अभी मैं कॉलेज दिखाता हूँ, उसी रोड पे हमारा कॉलेज है, कॉलेज अंदर जा कर गया गांव में, 1.5-2 किलोमीटर अंदर है। तो आपको वो वाली रोड दिखानी है मैंने, कि वो रोड कितनी सही है, वो रोड देखते हैं आगे चल करके। अभी तो जाम लगा हुआ है एज यूजल, खड़े हुए हैं जाम में, चलते हैं। नॉर्मली देखो हम लोग इस टाइम पे निकले हैं तो हमें इतना टाइम लगा, सुबह सुबह हमारे को 1.5 घंटे के आसपास लगता है अगर हम टाइम से निकल जाएं। नहीं तो भाई मैं सुबह 7 बजे भी निकला हूँ तो हम 10 बजे भी कॉलेज पहुँचे, 3-3 घंटे भी लग जाते, इतना दूर है कॉलेज। बहुत सारे भाई बोलेंगे इतनी दूर कॉलेज क्यों लिया था, तो यार एक वो था कि कॉलेज यहाँ पर अच्छा था ये, तो इस वजह से हमने दूर लिया। अब तो खैर क्या ही अच्छा है, कॉलेज की तारीफ नहीं करते, चलो चलते आगे। तो भाई ये वो रोड यहाँ से शुरू हो चुकी है कॉलेज की हमारे अंदर घुसने वाली, आप लोग साइड देख सकते हो एक बार की किस हिसाब से है, खेतों के बीच में हमारा कॉलेज है। ये 1.5 किलोमीटर की रोड है, थोड़ी सी रोड उबड़ खाबड़ भी है, ऑफ रोडिंग वाली फील आ जाती है कई बार यहाँ पे। प्रॉपरली आपको पूरी रोड दिखाते हैं यहाँ की, और कॉलेज की एंट्री भी दिखाएंगे आपको कैसी है क्या है, हो सकता देखो पूरा नहीं गया, पक्का नहीं गया था, हो सकता फैकल्टी से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ थोड़ा सा अपनी कॉलेज फैकल्टी से, हमारे टीचर्स वगैरह जो हमारे को पढ़ाते हैं। भाई टीचर्स के मूड का पता नहीं होता ना कैसे हैं कैसे नहीं, देखते हैं। भैया फीस देने जा रहे हैं आज तो मूड अच्छा ही होता। हाँ ये भी हो सकता है यार, पूरी फैकल्टी का नहीं होता ना। हाँ ऐसे बड़े लेते हैं यार कॉलेज वाले, परेशान हुए हैं। तो हमारी रीटेक आ गई, अगर रीटेस्ट आ गया तो रीटेस्ट के हमारे आप लोग क्या सोचते हो कितने पैसे होंगे भाजी, डिस्क्राइब करो। भैया 8,000 रुपए देने थे, 12 मांग रहे हैं। 8,000 के 12,000 रुपए भाई रीटेक के पैसे पहले दे दिए, फाइन लगा दिया 4,000 रुपए, 2,000 रुपए पर सब्जेक्ट। पहली बात तो 4,000 रुपए की रीटेक कौन से कॉलेज में होती है? 750 रुपए सुना है लोग, 750 रुपए के हिसाब से बिल बनवा देते हैं। ये एक सिर्फ एक मजाक वाले पार्ट से लेना इसको, हम लोग उसमें कॉलेज की कोई बुराई नहीं कर रहे, हमारा कॉलेज भाई बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक में बोल रहा हूँ नहीं भाई, बहुत बढ़िया कॉलेज हमारा, ऐसी मजाक नहीं है, बहुत बढ़िया कॉलेज है हमारा, मजा आता कॉलेज में।
क्लासें लेने में और सारी चीजें करने में। और अगर अभी हमारे कॉलेज के ना प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, बिल्डिंग स्टार्ट अब हो गई है, बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है कॉलेज की। आप लोगों को अगर यहाँ से दिख रही हो ना, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है आधी अधूरी सी, मतलब ये आधी अधूरी ऐसे नहीं है, यहाँ से दिखती ऐसी है ये आधी अधूरी। अभी हम चल रहे हैं, एंट्री देखो आप, ये एंट्रेंस आने वाली है बस कॉलेज की। कोई भी भाई हमारा 12th पास है तो हमें कंसर्न कर सकता है। हाँ भाई बिल्कुल कंसर्न करो, डिस्काउंट दिला दूंगा अगर HM करनी है किसी को भी। ये देखो ये हमारे कॉलेज की एंट्री है जो इन्होंने बंद कर रखी है अभी, पता नहीं क्यों। ये हमारे गार्ड साहब आएंगे, पहचान हो गया, चेंज हो गया, जानवर बने हुए हम पहचान नहीं पाओगे आप हमारे। खोलो। अच्छा सुनो, यहाँ कैमरा चालू है, एक बार हाय भर दो कैमरे को, कर दो ना। ये हमारे गार्ड साहब हैं भाई कॉलेज के, पहचान ली ना आप तो शक्लें। ठीक है, हाँ हाँ आ रहे हैं हम, सैनिटाइज होने आ जाएंगे। सैनिटाइज बूथ भाई पैसा खर्च किया कॉलेज वाले, मजा आ रहा है। सैनिटाइज बूथ लगा हमारे कॉलेज में देखो। अरे एक बार थोड़ा दिखाइए भाई जूम करके। अच्छा पहले सैनिटाइज कराएंगे भाई हमारे को। ओहो पहले सैनिटाइज होते हैं। तो भाई ये अपना कॉलेज है यहाँ से, और गाड़ी अपनी पार्किंग लॉट में जाते हुए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों को माइंड मत करना, गाड़ी चलाते हुए व्लॉग कर रहा भाई, गाड़ी पार्किंग लॉट में चला रहे हैं तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है भाई। ये देख लो पूरा का पूरा ये पार्किंग लॉट है, सामने लगा दे भाई, धूप काफ़ी खाली खाली सा पड़ा हुआ। ओ फैकल्टी गाड़ी यहाँ पर लग रही है भाई छाँव में। भाई अंदर चलते हैं आप कॉलेज के, हुआ तो अंदर भी दिखाता हूँ पूरा कॉलेज कैसा है क्या है। पहले एक बार फैकल्टी से मिलते हैं, परमिशन वगैरह ले लेते हैं ब्लॉक करने की, फिर दिखाते हैं आपको गाड़ी। एक बार थोड़ी सी आपको बाहर से मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो भाई ये हमारे कॉलेज का प्रोग्राम ऑफिस है, कुछ ऐसा है ये देखने में। यहाँ हमारे पाजी बैठे हैं, मेले करे जा रही हैं, मेले कर रहे हैं हम। शैली सर आ गए, सर एक बार कैमरे को आए कर दो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारे शैली सर देखते हैं। सर एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो अगर किसी को एडमिशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ मैं आपको नंबर देता हूँ ना, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लो 9910। ठीक है, 2 8 9 7 5। तो भाई ये नंबर है आप लोगों के लिए, मैं एक बार थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूंगा, ये हमारा नंबर रहेगा और ये हमारा प्रोग्राम ऑफिस है। और बाकी एक बार सर से परमिशन लेते हैं, सर परमिशन है कैंपस दिखाने की? प्रॉपर पूरा कैंपस दिखाएंगे अभी आपको भी कैसा है क्या है। तो आज तो हम फीस सबमिट करने आए हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी ये चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारी क्लास की थोड़ी सी मनहूस मतलब अच्छी शक्लें देख लो, सारी की सारी। तो भाई आगे आपको पूरा कॉलेज में अंदर से दिखाता हूँ, एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको। हैं अच्छा वहाँ भी जा सकते हैं। तो भाई ये देखो जो मैं आपको बता रहा था आते हुए कि थोड़ा सा आधा अधूरा कॉलेज है, अब आधा अधूरा नहीं रह गया, अभी बन रहा है प्रॉपरली। ये वाला बिल्डिंग हमारा बन चुका सर, अब हम इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं ना थोड़े टाइम में। कितने टाइम तक हो जाएगा? ये पूरा 2020 एंड तक, मतलब 2022 तक। तो भाई ये हमारा कॉलेज का कैफेटेरिया मेन कैंटीन का, तो यहाँ पे हमारे बल्लू भाई, कैसे हो मनीष भैया? कैसे हो सर? ये फ्रिज में थोड़ी सी दिक्कत आई है। ये भाई हमारे सारे वो वाले शेफ हैं जो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, सिखाते भी हैं साथ में, और हम लोगों को खाना खिलाते भी हैं हमारे कैफेटेरिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा कॉलेज है अपना, अंदर से कैफेटेरिया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ चल करके। अभी हमारे जो डीन है कॉलेज के वो लंच कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा कैफेटेरिया है। अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो तो भाई माइंड मत करना, सामने डीन बैठे हुए हैं हमारे कॉलेज के, वो लंच कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते हम उनके सामने। और ये काउंटर है, ये हमारे मंडल जी, ये हमारे मंडल जी हैं, ये इंटरनेट पे डलेगा, दिखा नहीं रहे किसी को। अरे हमारे भैया, ये हम सबको खाना सर्व करते हैं, लोग देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ
कैफेटेरिया में खाना बेसिकली उन बच्चों के लिए बनता है जो हॉस्टलर्स होते हैं, बट अगर हम लोग भी खाना चाहें तो हम लोग भी खा सकते हैं, हमें भी कोई मना नहीं है। तो ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर से। तो भाई ऐसा कुछ अपना कैंपस देखने में है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पर जूम करके दिखाऊँ तो वो हॉस्टल रूम्स हैं उस तरफ बैक साइड में सारे के सारे। और यहाँ पे हमारा रिसेप्शन एरिया है, फिर ऊपर हमारे क्लासरूम्स हैं। अभी ये वाली बिल्डिंग बन गई है, आने वाले टाइम में जब ये यूनिवर्सिटी कन्वर्ट होगी तो ये बिल्डिंग, इसके पीछे एक बिल्डिंग है और वो है, यहाँ आप देख सकते हो सारा काम चल रहा है, अभी इन प्रोसेस है सारा का सारा काम। ये पार्किंग एरिया, मेरे ख्याल से अब कॉलेज जिस प्रोसीजर के अंदर है इस एरिया को भी पार्किंग एरिया में कन्वर्ट करने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी सेम इसी तरह से झाड़ियाँ वगैरह होती थी, आप लोग देख रहे हो ये खाली पड़ा हुआ, तो इसको भी शायद हाँ हो सकता है, मतलब हो सकता है कुछ भी, हाँ बेसमेंट में पार्किंग एरिया, वहाँ से एक उस तरफ जा रही है पार्किंग एरिया के लिए भी, तो वो पार्किंग एरिया में कन्वर्ट हो सकता मे बी। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, हम आगे ब्लॉग तो कंटिन्यू रखते हैं, आगे चलते हैं। आज का मैं आपको अपना पूरा दिनचर्या दिखा रहा हूँ अपना क्या है कैसे है। जितनी आप यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हो खड़ी हुई, कॉलेज की फैकल्टी की गाड़ियाँ हैं, और भाई 33% स्टाफ ही आया हुआ है, जिसमें से दो गाड़ियाँ तो कॉलेज की पर्सनल यूज़ के लिए रखी गई हैं, दो गाड़ियाँ कॉलेज की हैं, बाकी सारी फैकल्टी की हैं। ये पीछे से एक बार मैं आपको पूरा कैंपस दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ देखने में लगता है ये। तो भाई कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा कैंपस। कॉलेज आ करके ना एक टेंशन हो जाती है कि यार दाढ़ी दूढ़ी कटवानी पड़ेगी, अब इतने टाइम से इतनी बढ़िया दाढ़ी उगा रखी है तुम्हारे भाई ने, दाढ़ी कटवानी पड़ेगी, बाल कटवाने पड़ेंगे, लॉकडाउन में बाल वाल सब चीज़ बढ़ गई थी। तो भाई ये गाड़ी ली थी, आप लोगों को थोड़ा सा गाड़ी के बारे में भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। पाजी गाड़ी अपनी केड़ा मॉडल हैगा? तेरह मॉडल गाड़ी है भाई, ठीक है, तेरह मॉडल है, रजिस्टर्ड 14, तो मतलब चलेगी वही 23 एंड तक चलेगी, अभी है इस गाड़ी के ऑलमोस्ट 4 साल कह सकते हो आप, हैं इसके अभी 4 साल कह लो 3 साल कह लो, 3.5 साल तो है ही भाई अभी। ऐसी कुछ गाड़ी है, स्टॉक कंडीशन के अंदर है, टॉप मॉडल है, पुश बटन स्टार्ट वाला, सनरूफ वनरूफ सब चीज़ है भाई इस गाड़ी में। तो भाई क्रूज ही क्यों? ऑप्शन मिल रहा था, अच्छी डील मिल रही थी, तो भाई अच्छी डील और अच्छा ऑप्शन दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और गाड़ी हमारी सिर्फ जो चली हुई है, सिर्फ जितनी भाई कितनी चली हुई है, 40,000 किलोमीटर, 40 से भी कम चली हुई है भाई, देख लो गाड़ी कुछ भी नहीं चली हुई, तो आप लोगों के सामने है, तभी ये गाड़ी हमने फाइनल करी है। और हमें बेसिकली भाई अभी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए गाड़ी चाहिए थी यूज़ करने के लिए, तो एक गाड़ी चाहिए थी तो ये ले ली। बाकी भाई ऑनेस्टली अगर सच बताऊँ तो ये गाड़ी तेल बहुत पीती है यार, इस गाड़ी ने हमारा दिवाला निकाल दिया, बहुत तेल पीती है यार ये, मतलब इतनी मेरी, मैं कहता हूँ भाई अभी तक हर सारी गाड़ियों में मेरी ग्राउंड काउंटर की एवरेज सबसे कम मानी जाती होगी, लेकिन ये आ गई है तो इसके बाद में सबसे कम इसी की मानते हैं हम, क्यों मान सकते हैं भैया। तो भाई एक बार आप लोगों को सनरूफ का भी रिस्पॉन्स चेक करा देता हूँ मैं थोड़ा सा कैसा, ये देखो भाई एक कैमरा हमारा सनरूफ से बाहर निकल गया, ठीक है भाई गाड़ी मॉडल के हिसाब से अच्छी है, मतलब इतना कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, वर्किंग भी देख लो आप लोगों के सामने अच्छी वर्किंग है, ये नहीं है कि भाई सनरूफ में किसी चीज़ की कमी हो, और इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो भाई हम अपने कॉलेज से निकल रहे हैं, कैंपस देख लो, आज हमने आपको अपना कॉलेज और कैफेटेरिया और सारी चीज़ें दिखा दी, कॉलेज रूट भी दे दिया, बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलेंगे। अभी मैंने आप लोगों को अपनी किचन्स नहीं दिखाई जिसमें हम लोग काम वाम करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं, मेरा बेसिकली जो कोर्स है कन्नरी आर्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं शेफ़ का एक बेसिकली उसको कोर्स कहा जाता है,
हम लोग सिर्फ शेफ से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, बाकी होटल मैनेजमेंट में हमारे पास में और भी चीजें होती हैं। तो ये हमारे गार्ड भैया यार, ये भी बहुत मेहनत करते हैं यार। हम लोग कॉलेज से जितनी बार बाहर जाते हैं उतनी बार ही हमारा गेट खोलते हैं। तो भाई ये वाली अपनी रोड है जो आप लोगों ने आती बारी भी देखी होगी, पूरी पूरी 1.5 किलोमीटर अंदर कॉलेज है हमारा। 1.5 किलोमीटर है पाजी, 2 किलोमीटर डेढ़ के आसपास है, डेढ़ भी नहीं है पूरा। तो चलो दिल्ली पहुंचते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। तो भाई ये अपना मैगी पॉइंट है जहाँ पे हमारे कॉलेज के पास, जिसे हम कहते हैं आउटर वाली कैंटीन, क्योंकि दूर दूर तक यार ये पूरा हाईवे है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोग कुछ खा पी पाएँ अगर कॉलेज से बाहर निकलना। तो हमारे कॉलेज से 2-2.5 किलोमीटर के रास्ते के अंदर ही ये पड़ता है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, पूरी सेटिंग विटिंग सब कुछ है। तो ये अपना पूरा का पूरा मैगी पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे अंकल मिलेंगे हमारे। अंकल एक बार अपना नाम बताओ। जगदीश शर्मा। अंकल हमारे यहाँ पर मिलेंगे, और भाई अगर मैगी पॉइंट आ रहे हो ना अंकल, और आंटी के हाथ के पराठे, ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, यहाँ पर खा के ज़रूर जाना। आ रहे हो अंकल, एक बार अपना एड्रेस भी बता दो कि किस तरफ आना है, यहाँ का एड्रेस क्या है। एड्रेस ये है, अच्छा ठीक। तो भाई आप लोगों ने रोड से अगर हम गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, मतलब जो सोना की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहा है उसको ये दिखेगा। तो यहाँ पे भाई सारी चीजें मिलती हैं अंकल के पास में, जो चाहिए जैसी चाहिए, पराठे कचौड़ी। अंकल क्या क्या बना लेते हैं हम? पराठे, मैगी। मैगी तो खा के जाना, मैगी तो भाई मतलब मैगी पॉइंट नाम है तो मैगी तो जरूर खा के जाना। और अच्छा पराठे और कचौड़ी वगैरह भी है। कचौड़ी भी है, कचौड़ी भी है। और भाई अगर आपने जैसे कुछ स्पेशल खाने का मन है तो 1-1.5 घंटा पहले बता दो अंकल, वो भी बनवा देंगे। 1-1.5 घंटा पहले बता दो अंकल, वो भी बनवा देंगे, उसके लिए भी मना नहीं है। अभी आंटी है नहीं हमारी, नहीं तो मैं आपको आंटी से मिलवाता। और हमारे एक भैया भी बैठते हैं यहाँ पे, नितिन भैया, वो भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ ज़रूर आना, ये मैं स्पेशल मैंने सामान लिया था यहाँ से अपना कुछ रेडबुल वगैरह, तो यहाँ पे ज़रूर आना और यहाँ से खा पी के ज़रूर जाना भाई। यहाँ पे मैगी तो स्पेशल है और आंटी के हाथ के पराठे, ये चीज़ें मिस मत करना। एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये अपना एक सिटिंग एरिया यहाँ है, ये किचन है, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है यार, मतलब हिसाब से ये सारी सिटिंग है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी मेस्ड अप हो रखी है ये सिटिंग, बट इट्स ओके। छुट्टियाँ चल रही हैं भाई, लॉकडाउन है सबको पता, बट यहाँ पर हम लोगों की अंकल को भी पता है, अगर हमारा फ्री लेक्चर है तो 3-3, 4-4 घंटे भी हम लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं, और पूरा रिलैक्सेशन है, सब कुछ है। तो आप लोगों ने सारा ये मैगी पॉइंट होप करता हूँ देखा होगा। अब आगे चलते हैं दिल्ली, चलते हैं दिल्ली, चल करके बात करते हैं कि क्या है कैसे है। तो भाई दिल्ली पहुँच चुके हैं, ठीक है, अपनी शॉप पर आ गया हूँ मैं, और आपको एक बंदे से मिलवा देता हूँ, उस दिन रह गया था हमारी कॉलेज गैंग का मेम्बर। कैसे हो सर? बस बहुत बढ़िया, आप सुनाइए सर। बस बढ़िया, आज भैया की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत काम हुआ था, कल हुआ था एक्चुअली, तो हम उसको ऐसे कवर कर नहीं पाए क्योंकि इतना कुछ खास काम नहीं था, भैया ने एम्प चेंज कराया बस, एक नॉर्मल सी चीज थी। भैया थोड़ा क्वालिटी पे आए हैं अब, पहले भैया ने क्या डाला हुआ था भैया आपने? V12। और कितने सालों से चला रहे हो, कितनी गाड़ियों से चला रहे हो, साल तो छोड़ दो, 4। तो भाई अब आप हिसाब लगा लो, V12 इनको अवार्ड दिलाना चाहिए नहीं दिलाना चाहिए? उस एम्प पे हमने हथौड़ी तक मारी है, वो तब भी नहीं चला, देख लो अब आप। ये आदमी, ये शख्स है, इसकी शक्ल देख लो आप, नया वाला तो दिखा दो। हाँ नया वाला एम्प लगवाया भैया ने, एमटेक्स का एम्प लगवाया, और भाई अंदर है अभी, एम्प निकाल नहीं रहा मैं। आवाज सुना दीजिए, आवाज एनसीएस से गाना सुना दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, हैवी सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल सा सेटअप है, बलिनो कार है अपनी, नॉर्मल सा सेटअप है। तो बिल्कुल ही बदनाम करने में, बदनाम वाली बात नहीं है यार, नॉर्मल सेटअप है, हर एक बंदे की अपना टेस्ट है। जब हमारे ग्रुप में ऐसी गाड़ी है तो फिर ऐसी भी है, टेस्ट वाली बात है, लगवाने को हम वो भी लगवा सकते हैं। एनसीएस का गाना प्ले करना। लो बिल्कुल सर। तो भाई थोड़ी सी एक बार आवाज सुनो, आपको सुनाऊं।
तो भाई इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। होप करता हूँ आपको ये सेटअप भी अच्छा लगा होगा। एक नॉर्मल सा सेटअप था और कुछ नहीं था, आपको एक वैसे ही दिखा रहे थे, फ्रेंडली बजट वाला। बजट भी क्या यार, टेस्ट वाइज है वो, बजट वाइज नहीं है। पूरा शौक भी पूरा करना हाँ, और पैसे और ना खर्चने, बिल्कुल पैसे भी नहीं खर्चे हुए। एक ही एम्प पे हमने इसके अंदर 6 स्पीकर और एक एम्प चला, एक वूफर चलाया हुआ, और वूफर भी भैया का काफी पुराना था। तो भाई इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट। 1000 सब्सक्राइबर जो पूरे होने वाले हैं, जितनी जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कराओगे उतनी जल्दी अपनी पाउंडर की वीडियो आएगी। और मैंने अपने सारे भाइयों को बताया था मैं थोड़ा सा फंसा हूँ, इस वजह से वीडियोस आ नहीं पा रही अभी। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपके लिए फिर से वीडियोस लेकर के आता हूँ। इसी के साथ टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।